हालात से मजबूर होकर गायिका बनी लता मंगेशकर, ऐसे तय किया स्वर कोकिला बनने का सफर। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं संगीत शिक्षा इन हिंदी चैनल। मैं हूं सुरभि। हिंदी सिनेमा और पूरे देश के लिए बेहद दुख की घड़ी है। बॉलीवुड में अपनी आवाज का जादू बिखेर कर देश दुनिया में लोगों के दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपनी आवाज से करोड़ों दिलों में जगह बनाने वाली सुर सम्राज्ञी लता जी ने हालात से मजबूर होकर गायकी में अपना करियर शुरू किया था। चलिए जानते हैं उनके संगीत सफर को। दोस्तों अगर आप भी लता जी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को पंडित दीनानाथ मंगेशकर के यहाँ हुआ था, जो एक क्लासिकल गायक थे। इसीलिए बचपन से लता जी की गायकी भी उसी माहौल में पली बड़ी। उन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में अपने पिता से संगीत सीखना शुरू कर दिया था और अपने पिताजी द्वारा बनाए गए प्लेबैक में भाग लिया। लगभग 80 सालों तक इंडस्ट्री में अपनी आवाज देकर उन्होंने लोगों का दिल जीता। दिग्गज गायिका लता मंगेशकर ने अपने करियर में सिर्फ हिंदी ही में नहीं बल्कि 36 क्षेत्रीय भाषाओं में भी आवाज दी। बात करें हिंदी सिनेमा की तो उन्होंने 30,000 से ज्यादा हिंदी फिल्मी गानों को अपनी आवाज से सजाया, अपनी आवाज का जादू बिखेरा और अपने आवाज से लोगों के दिलों में छा गईं। लता जी ने कुल मिलाकर तकरीबन 30,000 गाने गाए हैं। बॉलीवुड के इतने लंबे सफर में उन्होंने मधुबाला से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक को अपनी आवाज दी है। लेकिन आपको बता दें कि एक दौर ऐसा भी था जब उन्हें हालात से मजबूर होकर गाने को अपना प्रोफेशन बनाना पड़ा। लता जी अपने परिवार में सबसे बड़ी थी, ऐसे में 1942 में जब उनके पिता का निधन हो गया तो बड़ी संतान होने के नाते पर परिवार का भार लता जी के कंधों पर आ गया। लता मंगेशकर के पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने फिल्म बड़ी मां में किरदार निभाने का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद मंगेशकर मुंबई आ गई और यहीं उन्होंने उस्ताद अमान अली खान से हिंदुस्तानी संगीत सीखा। इसके बाद लता जी ने अपने करियर के कई लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम भी किया। भारत रत्न से जब उन्हें सम्मानित किया गया तब वे काफी खुश थीं। भारतीय सिनेमा में लता जी की आवाज ने जो जादू बिखेरा वो सदियों तक याद रखा जाएगा। शायद ही कोई ऐसा हो जो उनके गाने ना सुनना चाहता हो। लता जी की आवाज में जो जादू है वही जादू उन्हें स्वर कोकिला बना गया। उसी जादू की वजह से उन्हें स्वर कोकिला भी कहा गया। मात्र 13 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने अपना करियर शुरू कर दिया था और वसंत जोगलेकर की मराठी फिल्म किटी हसाल के लिए उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। साल 2001 में लता जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में सब कुछ मिल जाए ऐसा नहीं होता। लता जी से जब पूछा गया कि क्या वे दोबारा लता के जन्म में पैदा होना चाहेंगी तो उन्होंने कहा नहीं, वो अपनी जिंदगी की कुछ चीजों से बिल्कुल नाखुश थीं। बता दें कि भारतीय सिनेमा की महान गायिका बनने के बावजूद भी लता जी को हमेशा कुछ बातों का दुख रहा। जैसे ही ये खबर आई कि वे दुनिया में नहीं रही, दुनिया के लोगों के दिलों में दर्द बैठ गया, लोगों की आंखों में आंसू आ गए। और बता दें कि भारत की महान गायिका बनने के बावजूद भी लता जी दुखी रहती थीं। हिंदी सिनेमा में गायकी का दूसरा नाम लता जी थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित किया। उनकी आवाज के लाखों करोड़ों दीवाने थे। लता मंगेशकर के पिता एक क्लासिकल गायक थे और लता जी ने उनसे ही सीखा। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उन्हें इस बात का दुख जरूर था कि फिल्मी गीतों को गाते गाते वे शास्त्रीय संगीत से दूर हो गई थीं। बता दें कि गायकी के क्षेत्र में लता जी का अद्वितीय योगदान रहा। उनकी गायकी बेजोड़ रही, जिसे दशकों तक याद रखा जाएगा। उनके करोड़ों फैंस के बीच उनका दर्जा पूजनीय है। लता जी का 6 दशक का उपलब्धियों से भरा करियर रहा। उन्हें सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के भी मिला है, साथ ही वे भारत रत्न से भी नवाजी गई हैं। हालांकि एक बार ऐसा भी हुआ कि जब सारी दुनिया ने उनकी आवाज को पतली आवाज कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था, लता जी ने पूरे देश और दुनिया में नाम कमाया। उनका करियर उतार चढ़ाव भरा रहा। एक समय यह भी आया कि जब हिंदी सिनेमा में शमशाद बेगम, नूरजहां, जोहराबाई, अंबाले वाली जैसी वजनदार आवाज वाली गायिकाओं का बोलबाला था, शुरुआती वर्षों में लता जी को काफी संघर्ष करना पड़ा। कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर देते थे कि उनकी आवाज काफी पतली और महीन है। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताएं, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
लता जी के फैन हैं तो उनकी आत्मा की शांति के लिए ओम शांति कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपको लता जी का कौन सा गीत पसंद है?